अब सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रियलमी की तरफ से रोल आउट हुए कुछ अपडेट्स के बारे में, साथ ही साथ रियलमी वाई 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 के स्टेबल अपडेट के बारे में जो आज रोल आउट हुआ है पब्लिकली, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आपको इस तरह के अपडेट न्यूज़ के ऊपर इंटरेस्ट है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल में क्लिक करके रख सकते हो, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के अपडेट न्यूज़ और देख लेते हैं टुडे ऑफिशियल अपडेट्स को। देखिए, आप काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे मुझे कुछ दिनों से कि व्हाट इज़ Q1, व्हाट इज़ Q2, व्हाट इज़ Q3। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि Q1 क्या है, ये Q2 क्या है, Q3 क्या है। क्योंकि जब रोडमैप आता है वहाँ पे आपको Q1 देखने को मिलता है कि Q1 में जाके इतने सारे डिवाइस को अपडेट देखने को मिलेगा, Q2 दिखाई देता है जहाँ पे Q2 में जाके इतने सारे डिवाइस को अपडेट देखने को मिलेगा, Q3 दिखाई देता है जहाँ पे Q3 में जाके इतने सारे डिवाइस को अपडेट देखने को मिलेगा। तब जाके कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि मेरे डिवाइस में जाके कौन से मंथ पे अपडेट रोल आउट होगा। तो आज पहले वही कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं कि व्हाट इज़ Q1, व्हाट इज़ Q2, व्हाट इज़ Q3। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं। देखिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये चार्ट तैयार किया है थोड़ा सा कष्ट करके, ताकि आप लोगों को मैं ठीक तरह से समझा सकूं कि व्हाट इज़ Q1, व्हाट इज़ Q2, व्हाट इज़ Q3। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एक साल को हम 12 मंथ में डिवाइड करते हैं, और इसी 12 मंथ को हम चारों क्वार्टर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4, जिसे हम कहते हैं Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, अगर हम एक साल को चारों क्वार्टर में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर में आता है 3 मंथ। ठीक है, कैसे? जनवरी, फरवरी एंड मार्च लेके Q1 तैयार होता है, मतलब Q1। उसके बाद और 3 मंथ लेके, जैसे कि अप्रैल, मई एंड जून लेके Q2, मतलब Q2 तैयार होता है। उसके बाद Q3 अगर कह लीजिए तो वहाँ पे आपको जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मंथ देखने को मिलता है, मतलब इन तीनों मंथ को लेके Q3 मतलब Q3 बनता है। और लास्ट के जो 3 मंथ है, जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन तीनों को लेके Q4 बनता है, मतलब Q4। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि Q1 का मतलब क्या है, Q2 का मतलब क्या है, Q3 का मतलब क्या है। अगर आपके डिवाइस का नाम Q1 पे है तो किस मंथ से लेके किस मंथ तक अपडेट देखने को मिलेगा, अगर आपके डिवाइस का नाम Q2 में है तो किस मंथ से लेके किस मंथ तक आपको अपडेट देखने को मिलेगा, और अगर आपके डिवाइस का नाम Q3 में है तो आपको किस मंथ से लेके किस मंथ तक अपडेट देखने को मिलेगा। आई होप ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अपडेट न्यूज़ की तरफ। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, अब आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर फिर भी है कन्फ्यूजन तो नीचे कमेंट करके बताइए हमें। चलिए बात करते हैं स्टेबल अपडेट के बारे में। दोस्तों, रियलमी नार्सो 35G एंड रियलमी 85G के अंदर रियलमी वाई 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का जो स्टेबल अपडेट है वो पब्लिकली रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट बैच है पब्लिकली रोल आउट का, और बहुत से यूजर्स को देखने को मिला है। आपको मिला या नहीं नीचे जरूर हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि ये जो है अब एंड्रॉइड 12 यूज़र के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। मैंने आपको कहा था कि मार्च मंथ पे जाके एंड्रॉइड 12 यूज़र्स को देखने को मिलेगा, पहले सिर्फ बीटा यूज़र्स को देखने को मिल रहा था, बट अभी जो है एंड्रॉइड 12 यूज़र के लिए रियलमी वाई 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का जो अपडेट है वो रोल आउट कर दिया गया है रियलमी नार्सो 35G एंड रियलमी 85G के अंदर। आपको मिला या नहीं नीचे जरूर हमें कमेंट करके बताना। दोस्तों, आज के डेट में रियलमी C33 के अंदर एक और न्यू अपडेट जो है वो रोल आउट हो गया है, और वर्षन जो आपको देखने को मिलेगा A.73 वर्षन आपको देखने को मिलेगा रियलमी C33 के अंदर। पहले ही बता दूँ, ये एंड्रॉइड 12 बेस अपडेट आपको देखने को मिलता है रियलमी वाई एस एडिशन अपडेट। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको दोस्तों जो चेंज लॉग देखने को मिलेगा सिक्योरिटी के अंदर, आपको February 2023 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलेगा, और सिस्टम के अंदर आपको इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा रियलमी C33 के अंदर। बाय द वे, इसके अंदर Q3 पे जाके एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को मिलेगा। फाइनली रियलमी 10 प्रो 5G का इस मंथ का जो अपडेट है वो ऑफिशियली रोल आउट हो गया है दोस्तों, और ये अपडेट आपको एंड्रॉइड 13 बेस रियलमी 4.0 का अपडेट देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आपको वर्षन देखने को मिलता है 8.35 वर्षन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे जो चेंज लॉक आपको देखने को मिलेगा, February 2023 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा, और सिस्टम के अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस में भी और स्टेबिलाइजेशन में भी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट है रियलमी 10 प्रो 5G के लिए जो रोल आउट हो गया है रियलमी की तरफ से। आपको मिला है नहीं नीचे जरूर हमें कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो, जहाँ पे हमने बात करी व्हाट इज़ Q1, व्हाट इज़ Q2, व्हाट इज़ Q3, और साथ ही साथ अपडेट न्यूज़ के साथ बहुत सारे अपडेट न्यूज़ जो थे स्टेबल अपडेट के रिगार्डिंग, कुछ ओटी अपडेट्स के रिगार्डिंग, मैं मिलता के साथ बहुत सारे अपडेट न्यूज़ के साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन के साथ। तब तक लिए टाटा।